सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सातवें भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। बनाएंगे या 5G 6G तकनीक स्वदेशी निर्मित करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम ऐसे देश है जो उस तकनीक के खरीदार होंगे, ग्राहक होंगे, उससे दुनिया को भी तकनीकी विकास में आगे बढ़ने में फायदा होगा। तो एक तरह से देखें कि भारत में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी फायदा होगा, रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी और तमाम क्षेत्रों को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि तकनीकी उन्नयन से नवाचार बढ़ता है और नवाचार बढ़ने से हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को फायदा होता है। इससे हमारी ग्रोथ को मदद मिलेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे और विकास को टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शैलेंद्र अगर देखा जाए रोजगार के अवसर का सृजन तो उनका तो होगा ही, लेकिन एक जो विश्वास है जो हमारे देश के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास है वो और भी ज्यादा प्रबल हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए अब अवसर जो हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके देश में ही होंगे। और अब तो स्थिति यह है कि जो बाहरी देशों के लोग हैं वो यहाँ आकर शायद जो रोजगार के अवसर हैं उनको भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आप एक दशक पहले देखें तो ये बात होती थी कि भारत एक बड़े बढ़ता हुआ बाजार तो है, लेकिन हम मोबाइल बाहर से आयात करते हैं, भारत में मोबाइल नहीं बनता, भारत में वो तमाम 4G तकनीक हो या 5G तकनीक की जब बात हो रही थी कि उस क्षेत्र में रिसर्च यूनिवर्सल में क्या हो रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं बीते 4-7-8 वर्षों में जो स्थितियां बदली है, हम स्वदेशी तकनीक पर 5G तकनीक पे आगे बढ़े हैं, 6G तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं और दरअसल दुनिया ये देख रही है कैसे तेजी से एक एक इकोसिस्टम बना है और भारत तकनीकी प्रगति की ओर आगे बढ़ा है। चूंकि ये जरूरी है कि सिर्फ हम एक बढ़ते हुए बाजार के तौर पर हमें न देखा जाए, बल्कि हम टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले देश के तौर पर भी उभर कर सामने आए। आज हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन की फैक्ट्रियां लगी हैं, आप देखें नोएडा में या चेन्नई में स्मार्टफोन बन रहे हैं, चिप की लिए तमाम कंपनियां चिप निर्माण के लिए आगे आई हैं, उसमें रिसर्च और इनोवेशन में भी, चूंकि बहुत जरूरी है कि तकनीक में आपको सफलता नई तकनीक में लगी मिल सकती है जब एक इकोसिस्टम हो, जब सरकार का सपोर्ट हो, हम उस ओर काम होता हुआ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और यही वजह है कि दुनिया देख रही है कि बीते वर्षों में किस तरह से भारत ने स्वदेशी तकनीक का काम किया है और उसका फायदा हम अलग अलग सेक्टर को मिलता हुआ देख रहे हैं, और यही वजह है कि आज की जो प्रदर्शनी देख रहे हैं ये दिखाती है कि कैसे किस तरह से भारत तकनीक में एक बड़ी ग्लोबल शक्ति के तौर पर उभर रहा है। जी शैलेंद्र, और जो इकोसिस्टम है वो हम मान सकते हैं।